हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। सो गैस, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा एक इंडियन विलेज का सीन पेंटिंग करके दिखाऊंगा, एक बहुत ही शानदार सा विलेज का सीन पेंटिंग। सो गैस, पेंटिंग शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो गैस, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ही सिंपल तरह से एक स्केच कर रहा हूँ ताकि हम कहाँ पे क्या क्या चीज़ पेंट करेंगे उसका जस्ट एक मार्किंग हम कर सकें। तो देखिए, इधर मैं 3 घर पेंट करूँगा और सामने एक रास्ता और उसके सामने एक छोटा सा तालाब, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का विलेज का सीन मैं पेंटिंग करूँगा। तो अभी देखिए, मैं सबसे पहले जो स्काई का जो कलर है, यानी कि स्काई ब्लू कलर, तो अभी मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर के हिस्से में मैं थोड़ा सा डीप करके स्काई ब्लू कलर दे दिया एंड मैं नीचे के हिस्से में थोड़ा सा वाइट कलर मिला के मैं स्काई ब्लू को थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। स्काई के नीचे के साइड में मैं थोड़ा सा क्लाउड्स भी पेंट करूँगा ताकि दूर से लगे कि हाँ, उधर थोड़ा क्लाउड है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। मतलब वाइट कलर लेकर मैं बहुत ही सिंपल तरह से ऐसे में क्लाउड्स को पेंट कर दिया। तो ये देखिए क्लाउड्स, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लाउड्स भी है आसमान में, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी मैं जो ग्रीन कलर है, ठीक है, डीप ग्रीन कलर, मैं उसके साथ थोड़ा सा वाइट कलर मिला दिया है। तो उसी कलर से मैं दूर का जो पेड़ होता है ना, उसको मैं अभी देखिए पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने एक फ्लैट ब्रश ले लिया है और उसी ब्रश से मैं दूर का जो पेड़ है उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। सो गाइस, ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रश है, मैं इसे ब्रश को यूज़ करता हूँ। और जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये पाउडर टाइप का एक कलर है जिसको हम बोलते हैं अर्थ कलर, ठीक है, फ्लोरेशन कलर भी बोलते हैं लोग। तो इस कलर के बारे में मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, मतलब जहाँ पर मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप ये कलर यूज़ करेंगे, ये कलर कौन सा कलर है, आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप अगर इस कलर के बारे में जानना चाहते हो तो वो वीडियो आप देख सकते। नहीं तो आप इसके अलावा एक्रेलिक कलर आसानी से यूज़ कर सकते, तरीका सेम टू सेम ही है, ओके। सो देखिए, मैं दूर का पेड़ तो पेंट कर दिया, उसके साथ साथ सामने का एक दो पेड़ भी मैंने पेंट कर दिया। अब जो घर होगा ना, घर के सामने जो ज़मीन है, ग्राउंड है, उसमें जो मिट्टी होगा, देखिए उसको मैं अभी पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है येलो ऑकर कलर, ठीक है, येलो ऑकर, और ये है ब्राउन सियाना। तो ये येलो ऑकर कलर एंड ये जो ब्राउन सियाना कलर है, इन दोनों कलर को मैं यूज़ कर रहा हूँ और कभी कभी दोनों कलर को मैं मिक्स भी कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरे को ज़्यादा शेडो चाहिए, यानी कि ज़्यादा डीप कलर चाहिए, उधर मैं ब्राउन सियाना को ज़्यादा दे रहा हूँ, और जहाँ पर हमको हल्का यानी कि लाइट कलर चाहिए, उधर में जो येलो ऑकर कलर है इसको मैंने ज़्यादा दे दिया, ठीक है। अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम बाद में उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी देखिए, ये मैं अभी एक पेड़ को पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये है ब्लैक और ब्राउन सियाना कलर का मिक्सिंग, अभी मैं जिसको पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन सियाना कलर का मिक्सिंग कलर है ये। बाद में मैं इस पेड़ को ग्रीन कलर से पेंट करूँगा। तो ये दूर का पेड़ था, इसको भी मैं थोड़ा सा पेंट कर देता हूँ लाइट ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ये देखिए, दूर का पेड़ मैंने पेंट कर दिया लाइट ग्रीन कलर से। अभी ये घर के पीछे जो बड़ा वाला पेड़ है, देखिए इसको मैं पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गैस, इसको सबसे पहले मैंने डीप ग्रीन कलर और ब्लैक कलर, ये दोनों को मिक्स करके मैंने सबसे पहले इसको जो बेसिक कलर है उसको मैं दे दिया था। तो अभी देखिए, जो डीप ग्रीन कलर है उसको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला लेयर है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा लेयर, मतलब वो जो डीप ग्रीन कलर है उसके साथ मैं थोड़ा सा येलो कलर मिला दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड लेयर। आप क्या करूँगा, ये जो कलर मैंने अभी दे रहा हूँ ना, इसके अंदर भी और थोड़ा सा येलो कलर मैं मिक्स करूँगा, तो क्या होगा, ये कलर और थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं अभी इसके अंदर और थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया, मतलब आप डीप ग्रीन के अंदर जितना ज़्यादा येलो कलर मिक्स करेंगे, आपका जो डीप ग्रीन कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा, ठीक है। तो इधर में भी ऐसे ही किया, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डीप ग्रीन कलर ले लिया और उसके अंदर येलो कलर स्टेप बाय स्टेप मैंने
ज़्यादा मिलाते गया और जो मेरा जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट बनते गया। तो ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा लाइट बन गया है, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा येलो कलर लग रहा है ग्रीन कलर को। ठीक है, तो हो गया हमारा ये पेड़ पेंट करना। अभी पेड़ का कुछ ब्रांचेस में पेंट कर रहा हूँ ब्राउन सियाना और येलो ऑकर कलर से। तो पेड़ का ब्रांचेस पेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऑरेंज वाला पेड़ है, ठीक है, मतलब इस पेड़ को मैं ऑरेंज कलर से पेंट करूँगा। देखिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डीप रेड कलर दे दिया था, तो अभी ये है रेड कलर। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो मैं ब्राउन सियाना और ब्लैक कलर को मिक्स करके जो बेसिक कलर है उसको दे दिया था, उसके बाद डीप रेड, उसके बाद नॉर्मल रेड कलर एंड फिर मैं उसके बाद अभी देखिए दे रहा हूँ ऑरेंज कलर। तो ये है ऑरेंज कलर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऑरेंज कलर का जो ट्री है वो कम्प्लीट। तो अभी देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो ट्री मैं पेंट कर रहा हूँ इसको करूँगा ग्रीन कलर से, फ्लोरेशन ग्रीन कलर। तो ये देखिए इसको मैं फ्लोरेशन ग्रीन कलर से पेंट कर रहा हूँ। तो ये भी सेम वही प्रोसेस है, ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस, जिस प्रोसेस में मैंने जो पास वाला पेड़ है उसको मैंने पेंट किया, ये वही प्रोसेस है। तो कुछ इस प्रोसेस से मैंने इस पेड़ को भी पेंट कर दिया धीरे धीरे। मतलब आपको पेड़ में ज़्यादा लाइट कलर नहीं देना है, लाइट कलर बहुत ही कम देना है, लेकिन देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पेड़ में लाइट कलर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आँख में ना सबसे ज़्यादा लाइट कलर दिखते हैं हमको। तो इसीलिए जहाँ पे डीप और लाइट कलर है हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं उधर लाइट कलर ही ज़्यादा है, डीप कलर बहुत ही कम है, क्योंकि डीप कलर हमको पहले दिखते नहीं है, पहले दिखते लाइट कलर। ओके, तो इसे देखिए हम जो भी पेड़ पेंट किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो ब्राइट कलर है यानी कि लाइट कलर है उसको हम सबसे पहले देख रहे हैं, जो डार्क है उसको हम बाद में देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए आप जब भी कोई पेड़ पेंट करेंगे उसमें जो ब्राइट कलर है यानी कि लाइट कलर उसको सबसे कम आपको यूज़ करना होगा। ओके, तो ये देखिए अभी मैं घर को पेंट कर रहा हूँ, घर के सामने जो दीवार है उसको मैंने पेंट कर दिया। अब घर का दीवार का जो नीचे का हिस्सा है उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। तो ये है ऐश कलर यानी कि ब्लैक और वाइट दोनों कलर का मिक्स है ये ऐश कलर। ओके, और अभी मैं जो दे रहा हूँ ये है डीप ऐश कलर यानी कि इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा है वाइट कलर कम। ओके, तो ये देखिए मैंने इस कलर से पेंट कर दिया। अब घर का जो छत होगा, ठीक है, यानी कि जो घास फूस का छत होगा, तो इसीलिए देखिए इधर मैंने ब्राउन सियाना कलर और जो येलो ऑकर कलर है ये दोनों कलर को मिक्स करके मैंने घर का छत का जो बेसिक कलर है यानी कि प्राइमरी कलर उसको मैंने दे दिया। अब मैं धीरे धीरे ये जो घर का छत है इसको मैं धीरे धीरे पेंट करूँगा। तो ये देखिए ये मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर दे दिया, डायरेक्ट ब्लैक नहीं, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्राउन सियाना कलर को मिक्स किया। तो इस कलर से मैंने घर ये जो छत है छत का दो पार्टीशन कर दिया। और अभी देखिए ये जो ऑरेंज कलर और येलो ऑकर ये दोनों कलर को मिक्स करके मैंने ये कलर बनाया हुआ है। तो अभी मैं इस कलर का जो लेयर है इसको मैं दे रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे मैं येलो कलर की तरफ जाऊँगा, मतलब धीरे धीरे इसके बाद थोड़ा सा येलो ज़्यादा बढ़ाऊँगा और उसके बाद एकदम एंड में येलो कलर के साथ थोड़ा सा वाइट कलर मिलाऊँगा। ओके, तो ये देखिए अभी मैं दे रहा हूँ येलो कलर, ठीक है, बहुत ही ब्राइट कलर है ये। तो ये देखिए अभी मैं दे रहा हूँ येलो कलर, लेकिन इसके बाद भी मैं येलो कलर के साथ थोड़ा सा वाइट कलर मिला के मैं ये घर के छत में दे दूँगा। ओके, ये देखिए तो ये देखिए अभी जो घर का छत है ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये ब्राइट दिखने का जो वजह है वो है डार्क कलर, क्योंकि अगर डार्क कलर नहीं होगा ना तो ब्राइट नहीं दिखेगा। ओके, तो इसीलिए डार्क कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो घर के सामने थोड़ा सा शेडो भी बनेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि ब्राइट दिखने के लिए डार्क कलर इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लाइट दिखने के लिए शेडो भी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए घर जब मैंने ऊपर की तरफ बहुत ही ब्राइट किया तो इसलिए आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा शेडो भी देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो पेंटिंग है वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए घर के सामने में थोड़ा सा जो मिट्टी है मिट्टी को भी पेंट कर रहा हूँ। मिट्टी को पेंट करने के लिए मैं वाइट कलर, येलो ऑकर एंड ब्राउन सियाना
ये तीनों कलर का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके अलावा कोई दूसरा कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दूसरे कलर से, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारा कलर्स होता है, तो इसीलिए आप कोई भी कलर से मिट्टी को पेंट कर सकते हैं। सो ये देखिए, हमारा घर का सामने जो मिट्टी है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब घर के पीछे कुछ झाड़ियाँ को पेंट करना होगा, नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए पीछे मैं इस डीप ग्रीन कलर से पेंट कर दिया। अब इसको बाद में मैं इसको हाईलाइट कर दूँगा। तो ये देखिए, अभी घर के सामने जो रास्ता होगा स्ट्रीट, उस स्ट्रीट के साइड में फ्लावर्स का कुछ झाड़ियाँ होगा, पेड़ होगा, ठीक है, छोटा छोटा, तो इसीलिए मैं अभी दे रहा हूँ डीप ग्रीन कलर, ठीक है। तो देखिए, ये रास्ते का दो साइड में मैं डीप ग्रीन कलर दे रहा हूँ, ताकि बाद में उसको मैं उधर झाड़ियाँ को पेंट कर सकूँ। तो ये है घर के पीछे जो दूर का झाड़ियाँ है उसको मैं देखिए अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये हो गया हाईलाइट। अब ये जो घर है ना, घर का सामने एक विंडो होगा, क्योंकि ये जो घर है ना, घर का जो पूरा हिस्सा मैं पेंट नहीं किया, बस आधा हिस्सा पेंट किया, तो इसलिए इधर विंडो है। तो देखिए, विंडो को मैं पूरा ब्लैक कलर कर दे सबसे पहले। अब ये जो डीप ग्रीन कलर एंड उसके अंदर मैं थोड़ा सा वाइट कलर मिलाया, ये दोनों कलर से एक कलर बनाया, और उस कलर से मैं देखिए विंडो का जो बॉर्डर है उसको मैं दे दिया। अब ना आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करूँगा, वो ये है कि ये जो जितने भी घर में पेंट करूँगा, इस घर में मैं डिज़ाइन कराऊँगा, ठीक है। मतलब कि आप ये शायद देखे होंगे कि पहले के ज़माने में जो हमारा इंडियन जो विलेज होता था, उसमें जो घर होता था ना, घर को वहाँ के लोग बहुत ही शानदार से पेंट करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत ही शौकीन थे। अभी भी है बहुत जगह पर अभी भी तो दिखना बहुत ही कम हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में हमारे घर में भी ऐसा हुआ करता था। मतलब उस टाइम पे हर जगह पे मिट्टी का घर हुआ करता था, मतलब हमारे घर में भी ऐसा एक घर था, मिट्टी का घर था सब घर में, और उसी घर में घर के दीवार में बहुत ही अच्छा अच्छा पेंट हुआ करता था, ठीक है। तो ये दिखने बहुत ही अच्छा लगता था, तो अभी तो ये दिखना पूरा बंद हो गया है शायद। तो आज की पेंटिंग में मैं वही करूँगा, मतलब जितना भी मैं घर पेंट करूँगा ना, घर के दीवार में जैसे कि पहले के ज़माने में लोग करते थे, जो अच्छे अच्छे डिज़ाइन पेंटिंग, वैसा मैं आज पेंट करूँगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि आज का जो विलेज का सीनरी पेंटिंग मैं बनाऊँगा, ये एक बहुत ही शानदार सा इंडियन विलेज का सीन पेंटिंग, क्योंकि ऐसा पेंटिंग, मतलब ऐसा विलेज आपको इंडिया के अलावा शायद आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, इस घर के सामने भी मैं ब्राउन कलर से घर के सामने पेंट कर दिया। अब घर का जो छाद है ना, इस घर का छाद मैं थोड़ा सा डिफरेंट पेंट करूँगा। मतलब कि पहले वाला जो घर मैंने पेंट किया, वो तो पेंट किया घर के छाद में घास फूस था, लेकिन इस घर के छाद में जो टाली होता है ना मिट्टी का, वो टाली से मैं घर पेंट करूँगा। मतलब ऐसा भी हमारे घर में पहले हुआ करता था कि घर के दीवार भी मिट्टी का और घर का जो छाद है वो भी मिट्टी का, मतलब मिट्टी का जो एक तरह का टाली होता है उसको आग में बर्न करके उसको घर के छाद में यूज़ करते थे, ठीक है, वो भी मिट्टी का था। तो ये देखिए, हमने वैसा ही मिट्टी का एक घर पेंट कर दिया, मिट्टी का छाद, ठीक है। तो ये देखिए, घर के चारों ओर भी वैसे डिज़ाइन करना होगा जैसे कि हमने पहले वाले घर में किया था, लेकिन इस घर में हम जो डिज़ाइन का जो कलर है वो थोड़ा डिफाइन करेंगे। इसमें हम येलो एंड वाइट कलर, ये दोनों कलर के यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, घर का जो विंडो है एंड डोर है, इसका बॉर्डर मैंने ब्लू कलर से कर दिया, और ये देखिए, ये है येलो कलर एंड वाइट कलर। तो इस दोनों कलर से घर के चारों ओर जो डिज़ाइन है उसको मैं देखिए बना रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही शानदार सा लग रहा है देखने में। तो ये दूसरा घर पेंट करना हो गया है, अब बाकी है तीसरा घर। तो तीसरा घर का भी दीवार मैंने ऐश कलर से पेंट कर दिया, ठीक है, और तीसरा घर का छाद भी मैं पहले वाला घर जैसे बनाऊंगा, मतलब घास फूस का छाद। तो सेम प्रोसेस है, मतलब जैसे कि मैंने पहले वाला घर पेंट किया, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस है। पहले मैंने दीवार को पेंट कर दिया, उसके बाद मैं छत को पेंट कर दिया घास फूस जैसा, एंड उसके बाद घर का जो दरवाज़ा है, विंडो है, उसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया,
और फिर उसमें डिज़ाइन बना देंगे, ठीक है। तो मतलब सेम टू सेम वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। मतलब घर थोड़ा सा रोटेट कर दिया इस साइड में, एंड घर का जो ये सब डिज़ाइन है थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया, ठीक है, लेकिन तरीका सेम टू सेम ही है। तो ये देखिए, मैंने डीप रेड कलर से मैंने इस तरफ पेंट कर दिया जिस तरफ शेडो पड़ रहा है, एंड जिस तरफ लाइट है ज़्यादा उस तरफ मैंने ऑरेंज कलर से पेंट कर दिया। तो ये हो गया घर का डिज़ाइन कम्प्लीट। अब तीनों घर तो पेंट करना हो गया है, अब घर के सामने जो बड़ा सा रास्ता जा रहा है उसको देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ। तो ये है येलो ऑकर कलर, ठीक है। तो सबसे पहले जो रास्ता का जो बेसिक कलर है वो है येलो ऑकर, मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, रास्ते के दो साइड में जहाँ पे शेडो हो रहा है वहाँ पर मैं इस ब्राउन सियाना कलर को येलो ऑकर कलर के साथ मिला के मैं दे दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे से सभी कलर्स को ब्लेंड करना होगा, ठीक है, यानी कि मिक्सिंग करना होगा। मतलब देखने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कलर जो है वो सेपरेट है, मतलब अलग है, ठीक है। मतलब कलर को आपको यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड करना होगा। तो ये देखिए, ये है लाइट कलर और रास्ते के साइड में है डीप कलर। मैं दोनों कलर को सबसे पहले दे दूँगा एंड बाद में ब्रश की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगा। तो ब्लेंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ब्रश को अच्छे से क्लीनिंग करना होगा, एंड क्लीन करने के बाद ब्रश के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी आपको रहना चाहिए और उसी ब्रश को अच्छे से आपको रगड़ना पड़ेगा कलर के ऊपर। तो आप देखना धीरे धीरे आपका जो कलर है वो दोनों एक साथ ब्लेंड हो जाएगा, ओके। तो देखिए जो रास्ता है, जो स्ट्रीट है, वो अभी ब्लेंड करने के बाद, कलर को ब्लेंड करने के बाद देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है, ओके। तो रास्ते के दो साइड में जो ग्रीन कलर मैंने पहले दिया था, अभी देखिए उसी ग्रीन कलर के ऊपर जो फ्लावर्स का झाड़ी है उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर दिया था एंड उसके बाद मैं पिंक कलर दे दिया, ठीक है। तो अभी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी ये जो विलेज के साइड में एक छोटा सा तालाब है, तो अभी मैं उस तालाब को पेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं स्काई ब्लू कलर दे दिया था एंड उसके बाद ऊपर में थोड़ा सा वाइट कलर ज़्यादा दे दिया, एंड नीचे के हिस्से में जो डीप ब्लू कलर है उसको मैं ज़्यादा दे दूँगा, क्योंकि पानी का कलर और जो आसमान का कलर होता है वो भी सेम टू सेम होता है लेकिन पूरा उल्टा होता है, ठीक है। मतलब आप आसमान जैसे पेंट करेंगे पानी को भी वैसे ही पेंट करेंगे लेकिन पूरा उल्टा, ठीक है। तो ये देखिए, अभी पानी को मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक तरह से पेंट कर दिया। अब पानी के जो दो साइड में जो लैंड है, यानी कि ग्रास लैंड, तो ये देखिए मैं उसको मैं पेंट कर रहा हूँ। ये है लाइट ग्रीन कलर, यानी कि फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर। तो फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर से मैं जो घास है उसको पेंट कर दिया। अब घास के साथ मैं एक दो फ्लावर्स भी पेंट कर दूंगा पिंक कलर से। तो ये देखिए मैं फ्लावर्स को पेंट कर दिया कुछ। अब पेंटिंग तो कंप्लीट हो गया है लेकिन इसमें कुछ बाकी है, तो इसीलिए मैं इधर क्या करूँगा, एक इंसान को पेंट करूँगा, एक ओल्ड मैन जो कि इस घर का सामने ऐसे बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत ही ओल्ड मैन है, तो इसको मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक तरह से पेंट करूँगा। मतलब मैं इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, एक राफ करके बहुत ही सिंपल तरह से इसको मैं पेंट करूँगा। वैसे तो गाइज मैं ज़्यादातर पेंटिंग में कोई भी एनिमल्स या फिर ह्यूमन का पेंटिंग नहीं बनाता हूँ, अगर मैं कोई भी नेचर पेंटिंग बनाता हूँ तो। लेकिन ये जो पेंटिंग आज मैं बनाया इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए इस इतनी बड़े पेंटिंग के अंदर मतलब पूरा सुनसान है, खाली है, कोई नहीं है। तो ये मेरे को मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इधर एक ह्यूमन को पेंट कर देते हैं। तो इसीलिए देखिए इधर मैं एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी को इधर मैंने पेंट कर दिया, बहुत ही सिंपल तरह से पेंट कर दिया। तो ये देखिए, अब इसको पेंट करने के बाद ये जो पेंटिंग है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा था, बहुत ही बड़ा था। तो आज का ये पेंटिंग वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में एक बार बताइएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको इस पेंटिंग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके।
सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से एक और नया पेंटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।